नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम भारत वर्ष के 13 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अतीत में वापस ले जाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरेंद्र राघव चंदेल। हम बताते हैं यहाँ फैक्ट्स, फैक्ट्स ओनली फैक्ट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल में मंदिर सामाजिक केंद्र के महत्वपूर्ण स्थल थे। यहाँ नृत्य, संगीत और युद्ध की कलाओं को सम्मानित किया जाता था। देश में आज भी ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं जो अतीत के कारीगरों की बेहतरीन शिल्पकला की याद दिलाते हैं। पहला, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु। इस मंदिर को 1002 ईस्वी में राजाराज चोल द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर शिव को समर्पित है और द्रविड़ियन कला का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। बृहदेश्वर मंदिर, मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का अनूठा संगम है, जिसमें वास्तुकला, चित्रकला और अन्य संबद्ध कलाएं सम्मिलित हैं। यह कई परस्पर संबंधित संरचनाओं से बना है, जैसे कि नंदी मंडप, एक स्तंभित पोर्टिको और एक बड़ा हॉल सभा मंडप। इसके शीर्ष की ऊंचाई 66 मीटर है। दूसरा, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। यह मंदिर दुष्टों का संहार करने वाले भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महानता के प्रति एक श्रद्धांजलि है। इसके बावजूद हमारी शैक्षिकी प्रणाली ने इतिहास के पाठ्यक्रम में इसे उचित स्थान नहीं दिया। यह अपने आसपास की संरचनाओं के साथ सही अनुपात और संरेखण में तराशा गया था, जिसके सभी खंभे, फ्लाईब्रिज, पत्थर के मेहराब, मूर्तियां और इमारतें पत्थर के एक ही टुकड़े से बने हैं। तीसरा, चेन्नाकेशव मंदिर, कर्नाटक। यगाची नदी के तट पर स्थित यह मंदिर होयसल काल की शुरुआती सर्वोत्तम कृति है। यह विजयनगर के शासकों द्वारा चोलों पर उनकी विजय को दर्शाने के लिए बनाया गया था। यह मंदिर पूरी तरह से विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में विष्णु के अधिकांश लाक्षणिक नक्काशी के पहलुओं को चित्रित किया गया है और यहाँ विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक साथ स्थापित किया गया है। चौथा, तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखंड। तुंगनाथ मंदिर सभी पंच केदार, मध्यमाश्वर, केदारनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में से सबसे अधिक ऊंचाई, समुद्र तल से 3680 मीटर पर स्थित है। यह मंदिर रामायण से भी जुड़ा है, जहां भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्महत्या के अभिशाप से बचने के लिए तपस्या की थी। यह इतना मंदिर छोटा है कि यहां एक बार में केवल 10 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। पांचवा, आदि कुंभेश्वर, तमिलनाडु। भारत में स्थित कुंभकोणम को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहीं पर आदि कुंभेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर विजयनगर काल का है। आदि कुंभेश्वर मंदिर के प्रमुख देवता है और उनका पवित्र स्थान मंदिर के केंद्र में है। कुंभेश्वर लिंगम शिवलिंग के रूप में है, जिनके बारे में माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अमृत को रेत में मिलाकर इसे बनाया था। छठा, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान। इस मंदिर की संरचना 14वीं शताब्दी की है, लेकिन यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर मुख्य रूप से संगमरमर और पत्थर के स्लैब से बना है। इसका शिखर लाल रंग का है और इसके शिखर पर एक पक्षी की आकृति भी मौजूद है। मंदिर के बीचों बीच ब्रह्मा और उनकी दूसरी पत्नी गायत्री की मूर्तियां हैं। यहां कार्तिक पूर्णिमा के समय ब्रह्मा जी को समर्पित एक त्योहार का आयोजन होता है। सातवां, वरदराजा पेरुमल मंदिर, तमिलनाडु। वरदराजा पेरुमल मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के पवित्र शहर कांचीपुरम में स्थित है। माना जाता है कि विष्णु के 108 मंदिरों का 12 कवि संतो या अलवारों ने भ्रमण किया था, जिनमें से यह भी एक दिव्य देशम है। यह भी माना जाता है कि मंदिर की छत को सुशोभित छिपकलियों की मूर्तियों के स्पर्श मात्र से ही आपके पिछले जीवन के सारे पाप भूल जाते हैं। आठवां, कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा। इस मंदिर को 1250 ईस्वी के आसपास पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर पत्थर के पहियों, स्तंभों और दीवारों के साथ एक विशाल रथ के आकार में है। इसकी संरचना का एक बड़ा हिस्सा अब खंडहर के रूप में है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। नौवां, राजस्थान के माउंट आबू के पास दिलवाड़ा मंदिर। ये मंदिर माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है और इन पांचों मंदिरों में से हर एक मंदिर अपने आप में अद्वितीय है। इनका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। ये मंदिर संगमरमर के अद्भुत उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ये पांच मंदिर विमल वसाही, लूना वसाही, पित्तल हर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे सुंदर जैन तीर्थ स्थल माने जाते हैं। दसवां, पंचरत्न मंदिर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर राजा रघुनाथ सिंह द्वारा 1643 में बनवाया गया था। यह मंदिर एक छोटे से वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ तीन मेहराबों वाले द्वार के साथ चारों तरफ घूमने के लिए एक बरामदा है। दीवारों को बड़े पैमाने पर टेराकोटा की नक्काशी से भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। ग्यारहवां, बादामी गुफा मंदिर, कर्नाटक। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बगलकोट जिले के बादामी शहर में स्थित मंदिरों का एक परिसर है। इन्हें भारतीय रॉक कट वास्तुकला, खासकर बादामी चालुक्य वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। बारहवां, विठल मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। शायद यह मंदिर हम्पी परिसर के सभी मंदिरों में से सबसे अधिक लोकप्रिय है।
यहाँ मशहूर म्यूजिकल पिलर्स हैं जिनमें से अद्भुत ध्वनि निकलती है। अंग्रेज इस ध्वनि का रहस्य जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दो खम्भे कटवा दिए, लेकिन उन्हें वहाँ खोखले खम्भों के अलावा कुछ नहीं मिला। मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर कभी एक बाजार हुआ करता था, जहाँ घोड़ों का व्यापार किया जाता था। आज भी हम सड़क के दोनों ओर बाजार के अवशेष देख सकते हैं। मंदिर में घोड़े बेचने वाले फौसियों की मूर्तियां अभी भी मौजूद हैं। 13वां ओरछा मंदिर, मध्य प्रदेश। ओरछा एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के पास स्थित है। शहर में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और राम राजा मंदिर है। ऊंचाई पर बने चतुर्भुज मंदिर का ऊंचा शिखर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसका बाहरी हिस्सा कमल के प्रतीकों से सजा हुआ है। राजा राम मंदिर महल की तरह बना हुआ है। यहाँ राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और शानदार फैक्ट के साथ। तो ठूको एक लाइक। थैंक्स।